सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस जिनकी डिमांड रहती है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हम कितना पैसा कमा सकते हैं। एग्जैक्टली आप जानना चाहते हो भाई कि पॉलिटेक्निक कर हम जो कोर्स करने जा रहे हैं उसको करने के बाद आउटपुट क्या होगा। देखो, एंड गोल पॉलिटेक्निक का क्या होता है कि भाई आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो, हमारा एंड गोल है कि हमें पैसे कमाना है। तो वो कोर्स करने के बाद आपका कितना पैसा अर्न कर सकते हो, कितना आप सैलरी ले सकते हो, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपका ही चैनल है। और टेलीग्राम पे वहाँ पे भी ज्वाइन करें और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक और अच्छी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद मैक्सिमम आप कितना पैसा कमा सकते हो। देखो गाइज, अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड है, सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अथाह पैसा है। जिस तरह से मैंने वर्ड यूज किया, थोड़ी अपनी असेंट में बात किया, यूपी के असेंट में, कि भाई कंप्यूटर साइंस में अथाह पैसा। कंप्यूटर साइंस की दुनिया बड़ी कमाल की है। अभी करंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामिंग अच्छा जानते हो, प्रोग्रामिंग अच्छा कर लेते हो और एआई से रिलेटेड चीज़ें जानते हो, तो आप अच्छा पैसा यहाँ कमा सकते हो। यहाँ स्टार्टिंग सैलरी पॉलिटेक्निक के बाद आप 30,000 से 35,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी ले सकते हो, और बहुत अच्छे हो तो कम से कम 6 से 7 लाख का पैकेज भी ले सकते हो। सबसे ज़्यादा पैसा इस ट्रेड में है। कंप्यूटर साइंस के बाद आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सब लोग हमेशा सदाबहार ब्रांच मानते हैं, और है भी, हमेशा सदाबहार ब्रांच रहेगी। बहुत बड़ा बदलाव अब मैकेनिकल इंडस्ट्री में हो चुका है, क्योंकि मार्केट चेंज हुई है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईओटी का कॉम्बिनेशन एंट्री किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही चेंज हो गया है। जब आप कहोगे ना कॉम्बिनेशन ऐड हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईओटी जैसी चीज़ें अगर सीखते हो, तभी इस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगा, और यहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी है। स्टार्टिंग की सैलरी आपको मैं बता दूँ, 20,000 से 25,000 रुपये स्टार्टिंग की सैलरी है। अगर आप अच्छी जगह जाते हो, बहुत सारी जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, ब्राज़ील की कंपनी है, अगर उसमें आप जाते हो तो वहाँ पे सैलरी, देखो स्टार्टिंग की सैलरी 40,000 से 45,000 रुपये है। तो वहाँ पैसा आप और अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो दोनों इंजीनियरिंग ट्रेड काफ़ी कमाल के हैं। और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, ये दोनों ट्रेड की डिमांड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड को खास करके लोग बोलते थे कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अब डिमांड बढ़ गई है। कोर इंजीनियरिंग में कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें ठप हो गई थी, लेकिन आप देखो ना, डिमांड बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स। हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी के हाथ में घर में लाइट है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जॉब है। सैलरी स्टार्टिंग की सैलरी थोड़ा सा कम होती है अदर ब्रांचों से। यहाँ पे सैलरी 18,000 से 20,000 रुपये स्टार्टिंग हो सकती है, 15,000 से 20,000 भी हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ी सी सैलरी इंडस्ट्री में बढ़ रही है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो ऐसे में सैलरी भी बढ़ रही है। अब आते हैं, देखो हमने कंप्यूटर साइंस बता दिया, उसके बाद मैकेनिकल बता दिया, इलेक्ट्रिकल बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया, अब सिविल इंजीनियरिंग। सिविल की मार्केट में जॉब काफ़ी हंगामा चला पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब सिविल की मार्केट सही हो रही है, कंस्ट्रक्शन अपने पीक पॉइंट पे है। तो ऐसे में आप अपने शहर से निकलिए, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा हो तो जिस शहर में चल रहा प्रोजेक्ट वहाँ पे जाइए, डेफिनेटली आपको वहाँ जॉब मिलेगा। सिविल में भी बहुत पैसे हैं, आपको 1-2 साल किसी के अंडर में 15,000 से 20,000 रुपये भी मिल रहे हैं, तो काम करिए, ठीक है। स्टार्टिंग की सैलरी वो 20,000 1 लाख में कब कन्वर्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है, कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हो और कितना अच्छा लेके जाते हो। आईटी इंडस्ट्री या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया भी बहुत कमाल की है। आईटी में भी अनलिमिटेड पैसा है, अगर आप एक अच्छे आईटी प्रोफेशनल हो तो 25,000 से 30,000 रुपए यहाँ स्टार्टिंग सैलरी है। तो आप ये देख सकते हो कि पॉलिटेक्निक के बाद स्टार्टिंग की सैलरी 25,000 से 30,000, अगर अच्छी प्लेसमेंट हो रही है तो 25,000 से 30,000 के बीच में वैरी करेगा, नहीं तो 10,000 से 15,000 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है। और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आप कम से कम 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद, ठीक है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस होंगे, वहाँ पे भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। मैंने बताया था वीडियो के आखिरी में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कोई भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, करियर से रिलेटेड दिक्कत हो, तो हम लोगों ने करियर काउंसलिंग स्टार्ट किया, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, कमेंट में पिन भी कर दे रहे हैं, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।